मुझे दुख है, गहरा दुख है कि मैं पार्टी के विश्वास को, पार्टी लीडरशिप के विश्वास को कायम नहीं रख पाया, और उन कार्यकर्ताओं को भी मैं एक परफेक्ट लीडरशिप नहीं दे पाया। उनके परिश्रम का जो प्रतिफल मिलना चाहिए था, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे उम्मीदवारों ने, हमारे पार्टी के कैंपेनर्स ने काफी काम किया, बड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत की, विपरीत परिस्थितियों में वो लड़े, मोदी क्रांति के तूफान से भी लड़े, लेकिन मैं जो अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाए और कांग्रेस की जो हार हुई है उसको स्वीकार करता हूं, और वो मेरी लीडरशिप में शायद कुछ कमजोरियां रहेगी जिसके कारण अपेक्षित लाभ नहीं को जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए थे नहीं मिल पाए। मगर राज्य की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से पूरे चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। जितना अनएक्सपेक्टेड टर्न आउट, जिस तरीके से लोग आते थे मीटिंगों में, ये मैं कुछ सेलेक्टेड वीवीआईपी मीटिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें मेरी मीटिंग्स भी हैं और लोग भी मीटिंग्स में हैं, उनमें भी एक ह्यूज लार्ज टर्नआउट था, मगर उसमें वो न चुनाव परिणामों में वो सब परिलक्षित हम नहीं करवा पाए, वो कहीं कहीं पर लीडर के रूप में मेरी अपनी कमी है जिसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं जनता का बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने बहुत तरीके से, बहुत उत्साहित हमको किया चुनाव में जो है।